Hello world, I am Chitti. Speed 1 terahertz, memory 1 zettabyte. Munna jhund mein to suar aate hain, sher akela hi aata hai. Hindi filmon mein yahan kala til, badi badi moochhe, lungi pehne. Villain Amrish Puri, hey kabali, kehte hi sar jhuka kar ji malik kehkar khada ho jata hai. Aisa kabali samjha hai kya? Kabali hai ye. फर्स्ट में 1974 मलाड मुंबई में ही मेरा जन्म हुआ और परिवार में माता पिता मेरी बड़ी बहन और मैं दूसरी संतान था अपने माता पिता की और गुजराती परिवार एक मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास का परिवार कह लीजिए पर ज़रूरत की सारी चीज़ें थी हमारे पास एक अच्छी अपब्रिंगिंग अच्छी परवरिश स्कूल जाना और मेरी माँ खुद टीचर थी तो घर में भी वो बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट टीचर का जो ट्रेनिंग का एक माहौल होता है वो माहौल मुझे शुरू से मिला स्कूल में भी बहुत अच्छे दोस्त बहुत बढ़िया माहौल मिला सबसे ज़्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट जो मेरा था वो था मेरी मदर टंग गुजराती और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस बचपन में अगर मेरी लाइफ पे किसी का रहा है तो वो मेरे दादाजी मेरे दादाजी एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे कहानियाँ बनाना कहानियाँ बताना और इस अंदाज से कि कहानी सुनने वाला बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाए हिप्नोटाइज हो जाए मोहल्ले के सारे बच्चे शाम होते ही उनके पास आ जाते थे और हम सब बैठ के कहानियाँ सुनते कहानी सुनते सुनते सो जाते थे कोई पड़ोसी का बच्चा उनकी गोद में कहानी सुनते सुनते सो गया है ऐसा कई बार हुआ है लेकिन हर रोज एक नई कहानी सुनना ये मान लीजिए एक शर्त थी मेरी ओर से अपने दादाजी को एंड आई एम श्योर कि कई बार जब उन्हें कहानी पता नहीं थी उन्होंने बताते बताते ही वो कहानी बना ली है तो कहानियों को इस कदर बनाना और बताते रहना मुझे लगता है कि क्योंकि हम ब्राह्मण हिंदू परिवार से हैं तो कृष्ण राम या मीरा राधा या भक्त जैसे नरसिंह भक्त है या ऐसे कई भगवान की कहानियाँ मैंने बचपन में सुनी हैं मान लीजिए रामायण और महाभारत की सारी कहानियाँ मुझे ज़बानी याद हो गई थी स्कूल में मैं बहुत शरारती हुआ करता था मुझे याद है एक इंसिडेंस की बोर्ड हुआ करता था उस ज़माने में तो हमारी स्कूल में थोड़ा खर्चा करके अच्छे वाले ग्लास के बोर्ड लगवाए थे कांच का बोर्ड होता है जो तो कुछ कुछ क्लास में ऐसे ग्लास के बोर्ड थे और एक बार वो ब्रेक टाइम में हम उस क्लास में खेल रहे थे तो मैंने देखा कि बोर्ड के नीचे वॉल पे कुछ जूते के प्रिंट्स हैं फुट प्रिंट्स यानी किसी ने जाकर उस पर बैंग किया है उस पर किक मारी है जिसकी वजह से वो प्रिंट छप गया है तो मैंने सोचा मैं भी अपने जूते के प्रिंट वहाँ वॉल पे चिपका दूं सोचा अपनी एक सिग्नेचर वहां पे कर दूं वॉल पे उस तरह से तो दूर से दौड़ के आया और मैं कूद के वो अपने जूते की छाप जो है वो वॉल पे छोड़ने की कोशिश की लेकिन कुछ ज़्यादा ही कूद गया और वो किक जो है वो जाके लगी सीधे कांच के बोर्ड पे और पूरा बोर्ड इमीडिएटली वहां टूट गया था अब मैं इतना डर गया इस इंसिडेंस से फॉर्चुनेटली मैं और एक और दोस्त दो ही लोग उस वक्त क्लास में थे तो हम लोग दोनों ने फौरन वहाँ से निकल जाने का फैसला किया तो ब्रेक टाइम था बाकी चार पीरियड और स्कूल के बचे हुए थे उसे भी छोड़ के हम सीधे स्कूल से घर चले गए दो दिन तक कुछ बहाना बनाकर मैं स्कूल नहीं गया हुआ यूँ कि बाद में थोड़ी सी डांट डपट के बाद क्लास में सब बच्चों को डांटने के बाद पता ही नहीं चला कि ये किया किसने ऐसे ही हो गया होगा ये सोचकर स्कूल वालों ने ऐसा एक्शन लिया कि सबको कुछ 20-20 रुपए उसमें देने थे नया बोर्ड लाने के लिए तो 20 रुपए अपने जमा करवा कर मैं चुप करके बैठ गया और आज तक शायद किसी को पता नहीं है कि स्कूल में JDT हाई स्कूल नाम है मेरी स्कूल का मलाड ईस्ट में है और स्कूल में वो काम वो बदमाशी मैंने की थी ये शायद आज तक किसी को पता नहीं है बहुत शरारतें ऐसी की हैं मैंने नोटबुक लिखना मुझे बहुत ही गंदा काम लगता था तो हमेशा टीचर कहती थी कि कोई अगर बोर्ड पे आके एक सम सॉल्व कर दे या बोर्ड पे कुछ लिख दे तो मैं हमेशा जाता था बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता था
तो मैंने बोर्ड पे लिखा। अब जब एक बार बोर्ड पे लिख दिया तो उसे वापस नोटबुक में क्यों लिखना, ये सोचकर मैं कभी भी अपने नोट्स कंप्लीट नहीं करता था। और एक आध बार ऐसा भी हुआ है कि किसी और की नोटबुक लेकर उसका कवर पेज चेंज करके उसे टीचर को देकर के चेक करवा लिया हो, उसके मार्क्स भी मिल चुके हैं। तो ये सारी छोटी छोटी शरारतें स्कूल के टाइम में बहुत की है, और दोस्तों की पूरी एक टोली हुआ करती थी। तो थोड़ा सा मिमिक्री या किसी की नकल उतारने का एक जो शुरुआत हुई वो भी स्कूल के समय से हुई। एक दो हमारे टीचर ऐसे थे जिनकी थोड़ी सी टिपिकल स्टाइल थी, तो स्कूल में उनकी एब्सेंस में क्लास में जाकर के उनकी नकल उतारना, उनकी स्टाइल में बात करना, या उनकी कोई एक पंच लाइन पकड़ लेना और उसी के आसपास जोक्स बनाना, लोगों को हंसाना, बस यही काम था सारा वक्त। तो होता यूँ था कि एक बार जैसे ही मुझे मौका मिला, मैं चला जाता था टीचर की जगह पे पूरे क्लास को कहानी सुनाने, कहानियाँ, जोक्स, कुछ ना कुछ सुनाते रहना। तो पब्लिक स्पीकिंग का एक तरह से डर बचपन से ही निकल गया था, और स्टेज पे जाना और लोगों को एंटरटेन करना, ये मेरा ऑलमोस्ट डेली रूटीन बन गया था। एक बार हुआ यूं कि स्कूल के प्रिंसिपल को सारे टीचर्स की एक मीटिंग बुलानी पड़ी, सारे टीचर्स उसमें शामिल होना ज़रूरी था। तो एक साथ 3-4 क्लास के बच्चों को संभाला कैसे जाए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और प्रिंसिपल आए, प्रिंसिपल को पता था कि एक स्टूडेंट है ऐसा, क्योंकि एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन हो या डिबेट हो उसमें हमेशा मैं पार्टिसिपेट करता था और काफ़ी दफ़े मैं जीता भी हूँ, तो प्रिंसिपल को ये बात पता थी। प्रिंसिपल सर ने आके कहा कि अगले एक घंटे तक जब ये मीटिंग चलेगी एक भी टीचर अवेलेबल नहीं होगा, ये 4 क्लास के बच्चे जो हैं इनको एक साथ कम्युनिटी हॉल में बिठा कर आपको इनको एंगेज करके रखना है। तो बात ये हुई कि पूरे इतने बड़े ऑडियंस को एंगेज करने से मुझे एक तरह से कॉन्फिडेंस मिला। मैंने ये सोचा कि किसी भी ऑडियंस को ऑन द स्पॉट किसी तरह की प्रिपरेशन के बिना मैं एंगेज कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस जब मुझ में आ गया तो धीरे धीरे स्कूल में मेरी एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ यानी ड्रामा कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना, ये बढ़ता चला गया। स्कूल के बाहर भी मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। म्यूज़िक में भी थोड़ी सी रुचि रही मेरी, शुरू में तबला सीखा मैंने। मेरी बड़ी बहन क्लासिकल म्यूज़िक ऑलरेडी सीखती थी, तो जब उनका टीचिंग का सेशन होता था तभी भी बैठकर सुनना या उसमें इंटरेस्ट लेना, तो म्यूज़िक की तरफ मेरी रुचि धीरे धीरे बढ़ी। लेकिन हुआ यूँ कि करीब करीब मैं 5th-6th स्टैंडर्ड में रहा होऊंगा, तब मुझे एक एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट एक फीचर फिल्म में काम करने का मौका मिला। प्रसून बैनर्जी प्रोडक्शन, मिस्टर प्रसून बैनर्जी एक होनहार बच्चे नाम की फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, जिसमें 3 छोटे छोटे चाइल्ड आर्टिस्ट की ज़रूरत थी, और आज एक बहुत ही बेहतरीन वॉइस आर्टिस्ट हैं हमारी नेशमा, नेशमा मंत्री नाम हुआ करता था उस ज़माने में। तो नेशमा भी इन 3 चाइल्ड आर्टिस्ट में से एक थी, एक मैं था, एक हमारे दूसरे भाई साहब थे। तो तीनों ने मिलकर हमने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट होनहार बच्चे इस फिल्म में काम किया। ये बहुत ही, मैं कहता हूँ कि एक फर्स्ट अर्ली बट वेरी गुड एक्सपोजर फॉर मी, क्योंकि एक पूरी फिल्म बनती है जहाँ कैमरे से लेकर, और ये फिल्म बनती थी बिल्कुल एमेच्योर स्टेज पर, ये डायरेक्टर कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं थे, तो उन्होंने फिल्म बनाई एक बहुत ही एमेच्योर डायरेक्टर के तौर पर। लेकिन फ़ायदा उसका मुझे ये मिला कि कैमरे के पीछे क्या चल रहा है, थ्रू आउट दी शूटिंग क्या प्रोसेस है एक फिल्म मेकिंग का, ये पूरी जानकारी मुझे बहुत अर्ली एज में मिल गई। तभी तो बहुत कुछ समझ भी नहीं पाया था मैं, लेकिन धीरे धीरे बाद में चीज़ें कनेक्ट होने लगी। कहते हैं ना कि जैसे डॉट डॉट डॉट, व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स द पिक्चर गेट्स क्लियर इन योर माइंड, तो वैसे ही आज फिल्म मेकिंग के बारे में जो बहुत सी चीज़ें मुझे इस इंडस्ट्री में रह के जाननी चाहिए, तो एडिटिंग हो या साउंड की मिक्सिंग हो या म्यूज़िक से रिलेटेड कोई चीज़ें हो, बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, ये सारी चीज़ें बहुत अर्ली एज में मैंने जान ली थी। बहुत बड़ा दिन था मेरी लाइफ का, 7th स्टैंडर्ड में मैं पढ़ता था, मेरी ही स्कूल के बच्चों को टिकट निकाल के एक थिएटर में होनहार बच्चे ये फिल्म देखने के लिए ले जाया गया। मैं उनके साथ गया और सारे बच्चों ने, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा स्टार हूँ, आई थिंक मेरी लाइफ में मुझे आज तक इतना अटेंशन कभी नहीं मिला है
कितना भी मैंने डबिंग में भी अचीव कर लिया हो, बट द हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ वॉज दैट डे व्हेन आई वॉच्ड माई फिल्म ऑन द बिग स्क्रीन इन द ऑडिटोरियम विथ ऑल माई फ्रेंड्स ऑफ माई स्कूल टाइम. पहली डबिंग अपॉर्चुनिटी भी मुझे स्कूल के दौरान ही मिली. स्कूल से हमारे स्कूल टीचर्स भी काफ़ी एक्टिव थे, तो वो रेडियो स्टेशन पे छोटे छोटे बच्चों को लेके कुछ प्रोग्राम्स तैयार करवाते थे, जैसे म्यूज़िक का प्रोग्राम हो गया या कोई छोटे रेडियो प्लेज ड्रामा हो गए, तो उसमें भी मैंने पार्ट लिया. रेडियो स्टेशन पर गुजराती सेक्शन में जो ऑफिसर्स थे उस ज़माने में, उनको भी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ले करके फिर आगे और काम मुझे रेडियो में मिलता रहा एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट. तो एज अ चाइल्ड वॉइस आर्टिस्ट भी मैंने रेडियो में अपना एक एस्टैब्लिशमेंट कर लिया था, पर वो बहुत कम काम था, मान लीजिए 6 महीने या साल में कभी एक आध बार. एक बड़ा ब्रेक ये हुआ कि घनश्याम नायक एक गुजराती थिएटर के एक्टर हैं, वो एक फिल्म में एसोसिएटेड थे असरानी साहब के साथ. असरानी साहब एज अ प्रोड्यूसर एक गुजराती फिल्म बना रहे थे, खुद उसमें स्टार यानी हीरो का रोल कर रहे थे, और उस फिल्म में एक छोटा सा बच्चा जो विलन है, जिसकी शूटिंग हो चुकी थी, उनको डबिंग करनी थी. एक ही डायलॉग था गुजराती में, वो डायलॉग मुझे अभी भी याद है क्योंकि मेरी लाइफ की पहली डबिंग थी वो. तो पप्पा दारू तो कड़वोज लागे, ये डायलॉग है, विलन का बेटा है और बाप उसका जब दारू पीने के बाद बोलता है ओह बहुत कड़वा है ये, तो वो कहता है कि पप्पा दारू तो कड़वोज लागे. दिस वन लाइन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डब दैट. बीआर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है. मेरे पिताजी बीआर स्टूडियो कहाँ है ये ढूंढते ढूंढते हम दोनों पहुँचे थे, और 50 रुपये की कैश पेमेंट भी मुझे मिली थी ये एक लाइन बोलने के लिए, और मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उस एज में मेरे लिए वो पेमेंट बहुत बड़ी थी. पेमेंट से ज़्यादा वो रिकग्निशन, असरानी साहब को मैंने आमने सामने देखा एक बड़ी स्क्रीन पे, बीआर जैसे स्टूडियो में मुझे रिकॉर्डिंग करने का मौका मिला. मैं तो ठीक से समझ भी नहीं पाया ये रिकॉर्डिंग क्या है. साउंड इंजीनियर ने कहा कि मैं जब इशारा करूं आप बोल दो, तो मैंने सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करता रहा और ये एक मौका मिला मुझे शुरू में डबिंग करने का. लेकिन मुझे बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं था कि ये मैंने डबिंग की है, और डबिंग अपने आप में एक पूरा करियर है, मैं डबिंग में अपना एक पूरा करियर बना सकता हूँ, ये मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था. हुआ यूँ कि उसके बाद स्कूल के दिन तो ऐसे चले गए. स्कूल में काफ़ी लीडिंग पोजीशन में भी रहा. हमारी स्कूल की जो एक स्कूल लेवल की पार्लियामेंट बनती थी, तो उसमें वोटिंग के साथ स्कूल प्रेसिडेंट भी बना मैं. तो पढ़ाई लिखाई भी हमेशा अच्छी थी, मैं बहुत ज़्यादा फर्स्ट सेकेंड ऐसा नहीं था, बट अबव एवरेज. तो आप कह सकते हैं कि 75-80% मेरे हमेशा रहे हैं. स्कूल मेरी 10th स्टैंडर्ड में जब रिजल्ट निकला 75% के साथ, मैंने 89 ईयर में स्कूल SSC अपना कंप्लीट किया, और 75% उस ज़माने में अच्छे परसेंटेज माने जाते थे. तो NM कॉलेज में एडमिशन लेने का मेरा पहले से ही मन बन गया था. वैसे मेरी मॉम चाहती थी कि अच्छे परसेंटेज हैं तो मैं इंजीनियरिंग या साइंस ऐसा कुछ लेकर के कुछ ज़्यादा सीरियस पढ़ाई करूं. लेकिन NM कॉलेज जहां BCom कॉमर्स का कॉलेज था, BCom कोर्स चलता था, मुझे पहले से ये पता था, अपने कुछ सीनियर दोस्तों से मैंने ये पता कर लिया था कि वहां पे ड्रामा की एक्टिविटीज़ हैं या कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, उसको काफ़ी बढ़ावा मिलता है, पढ़ाई भी अच्छी है, और कॉमर्स यानी BCom कोर्स करते करते अच्छा मौका मिलता है ड्रामेटिक्स और ये सारी चीज़ें सीखने का. बचपन से गुजराती नाटक देखने का बहुत शौक़ था मुझे. मेरे मौसा जी सुरेश गौर, वो गुजराती नाटक में काम किया करते थे, और उनके साथ जाकर विंग में एक चेयर डालकर बैठकर वहाँ से कई गुजराती नाटक देखे मैंने. तो गुजराती नाटक और गुजराती नाटक के जो एक्टर्स हैं उनका भी एक गहरा इम्प्रेशन रहा है, और ड्रामा स्टेज थिएटर के प्रति एक लगाव एक खिंचाव वहाँ से शुरू हुआ ऐसा कह सकते हैं. कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि मम्मी डैडी उस समय टाउन में भी नहीं थे, और इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाकर मैंने खुद अपने आप से जाकर NM कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लिया. वैसे रेडियो का मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी वहाँ काम आया,
75% पे शायद मुझे वो एडमिशन नहीं मिलता, पर रेडियो का मेरा एक्सपीरियंस काउंट करते हुए वहाँ के प्रोफेसर्स ने ये कहा कि आपको ड्रामेटिक्स में और बाकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना होगा, मैंने फौरन अग्री कर लिया और NM कॉलेज में इस तरह से मेरा एडमिशन हो गया। तो पढ़ाई के साथ साथ अब मेरी बाकी हॉबीज़ और दूसरी एक्टिविटीज़ भी चलने लगी। NM कॉलेज में इंटर कॉलेजिएट ड्रामा कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना मैंने शुरू किया। ये मान लीजिए कि 5 years ऑफ माई डिग्री कॉलेज, 5 साल लगभग मैं अलग अलग ड्रामा कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेता रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का यूथ फेस्टिवल हो, चाहे कॉपवुड कॉम्पिटिशन हो, इप्टा थिएटर कॉम्पिटिशन हो, INT हो, इस तरह की अलग अलग ड्रामा कॉम्पिटिशन्स में मैंने हिस्सा लिया। और उस समय बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन हुआ करता था मिठीबाई कॉलेज से या भवंस कॉलेज से या बाकी कॉलेज में। इंटर कॉलेजिएट थिएटर या इंटर कॉलेजिएट ड्रामा कॉम्पिटिशन एक प्रोफेशनल लेवल थिएटर के लेवल का कॉम्पिटिशन हुआ करता था, तो वहाँ बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। एक मेंटर के तौर पे, एक गुरु के तौर पे मान लीजिए, या एक अच्छे डायरेक्टर के तौर पे मेरी लाइफ में महेंद्र जोशी ने यहाँ पे एक बहुत ही अहम किरदार निभाया है। महेंद्र जोशी हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे और उनसे थिएटर और एक्टिंग के बेसिक शुरुआती पाठ जो है वो मैंने सीखे। कोई मेजर रोल वैसे नहीं मिला, लेकिन उस टीम में, हमारे साथ ग्रुप में काफ़ी अच्छे अच्छे लोग थे। शर्मन जोशी जैसे अभी बहुत नामी एक्टर हैं, वो कॉलेज में क्लासमेट थे और उस समय महेंद्र जोशी के डायरेक्शन में ही इंटर कॉलेजिएट थिएटर कॉम्पिटिशन में हमारे साथ, हमने 2 या 3 प्ले साथ में किए हैं। और इन सबको बहुत करीब से देखना, इन सबको ग्रो होते हुए एक्टिंग सीखते हुए देखना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था। तो ये देख कर भी काफ़ी कुछ मुझे सीखने मिला। काफ़ी एनकरेजिंग प्रोफेसर्स थे हमारे कॉलेज के, NM कॉलेज के, मेहुल भाई, भरत नायक, अमित त्रिवेदी, अमी वोरा अभी जिनका नाम है, तो इन सब को मैं एक्चुअली क्रेडिट देना चाहूँगा कि इन्होंने ड्रामेटिक्स में मेरी रुचि बढ़ाई है, इन्होंने कल्चरल एक्टिविटीज़ की तरफ मेरी रुचि बढ़ाई है। म्यूज़िक में भी मेरी रुचि रही, जैसा मैंने कहा, तो मैंने म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स में, इंटर कॉलेजिएट सिंगिंग कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा लिया। यहाँ मैं बहुत अच्छे कंपोजर्स से मिला, बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स से मिला, आशित देसाई, सुरेश जोशी, इस तरह के कुछ बहुत ही अच्छे म्यूज़िक कंपोजर्स जो इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स के लिए सिखाने आते थे, उनके गाइडेंस में बहुत कुछ सीखने मिला। कॉलेज से वो पहला इंसिडेंस मुझे याद है, वो पहली अपॉर्चुनिटी, जब हमारा GS था होमियार, और होमियार ने एक कॉम्पिटिशन में मुझे होस्टिंग करते हुए सुना, तो कहा कि यू हैव गॉट अ गुड वॉइस। 2 दिन बाद कैंटीन में ये होमियार हमारा GS कॉलेज का ये मिला और इसने कहा कि मैं एक नंबर देता हूँ, आप वहाँ जा कर के अपना वॉइस टेस्ट दे कर के आओ। वो नंबर था हमारे वॉइसिंग इंडस्ट्री के बहुत ही सीनियर, भीष्म पितामह जिसे कह सकते हैं, वैसे वनमाली साहब का। तो वनमाली साहब की वर्ड्स एंड वॉइसेस नाम की एक कंपनी हुआ करती थी फोर्ट एरिया मुंबई में, और वहाँ उनका छोटा सा ऑफिस वर्ड्स एंड वॉइसेस का, जहाँ बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी टाइप की रिकॉर्डिंग मशीन लेकर के वो बैठते थे, आँखें बंद करके बहुत आराम से वॉइस सुनते थे, उसके बाद अच्छी एडवाइस देते थे। उनके पास मैं गया, मैंने कहा कि सर मुझे आपकी वॉइस बैंक में अपनी वॉइस रिकॉर्ड करवानी है। तो उन्होंने पूछा कौन से लैंग्वेज आप बोलते हैं और पहले कुछ किया है या नहीं किया है। मैंने रेडियो का अपना जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था वो उनके साथ शेयर किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन बहुत काम करना होगा, अभी काफ़ी यंग हो, अच्छी बात है। उन्होंने वॉइस रिकॉर्ड किया, 1 हफ्ते के अंदर मुझे वर्ड्स एंड वॉइस से एक कॉल आता है, केयर ऑफ नंबर हुआ करता था, मेरे घर पे टेलीफोन भी नहीं था उस ज़माने में, तो पड़ोसी के घर पे ये कॉल आया, शाम को मुझे ये मैसेज मिलता है कि कल आपको ग्लैम स्लैम स्टूडियो पहुंचना है एक रिकॉर्डिंग के लिए। अब ये रिकॉर्डिंग है एक एड फिल्म की, मैंने ज़िंदगी में कभी कोई एड फिल्म रिकॉर्ड नहीं की थी, और एड फिल्म एक अलग चैलेंज होता है, एक अलग चैलेंज उसमें ये होती है कि आपको एक प्रोडक्ट बेचना है, तो वो प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको बहुत कन्विंसिंग होना पड़ता है। तो खैर मैं थोड़ा सा नर्वस तो था, लेकिन मैं पहुंच गया, और वर्ड्स एंड वॉइसेस में जब मैं पहुंचा
तो वहाँ लियो बर्नेट एजेंसी की दो लड़कियाँ थी और कैमे सोब का वो एड डब होने जा रहा था। मुझे वो स्क्रिप्ट भी ठीक से याद है अभी तक, जगाए आपकी कोमलता त्वचा की मनभावन कोमलता कैमे। तो ये दो लाइनें सिर्फ मुझे डिलीवर करनी थी, लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, कॉन्फिडेंस की भी थोड़ी सी कमी थी, बहुत यंग था, तो वो जो उनको चाहिए था वैसा मैं डिलीवर नहीं कर पाया। खैर, दोनों लड़कियों ने वॉइस की तारीफ़ की तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा। ग्लैम स्लैम जैसे एक बहुत ही बड़े स्टूडियो को, प्रभा देवी में जो अभी भी है, वहाँ जाकर मैंने काम किया, आधा दिन स्पेंड किया माइक पे साउंड इंजीनियर के साथ, तो टेक्निकलिटीज़ वहाँ मुझे देखने मिली, एक अलग कॉन्फिडेंस मैंने गेन किया। उसके एक हफ्ते बाद मनमाली साहब का फिर से मुझे कॉल आया कि एक बार आकर मिल के जाओ। जब मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा कि वैसे काम तुम्हारा वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, वो रिजेक्ट हुआ है वॉइस, और कोई और वॉइस उसे करेगा, लेकिन फिर भी जो पेमेंट मुझे मिला है वो पेमेंट मैं चेक तुम्हारा तैयार रखा है, वो मैं तुम्हें देने के लिए मैंने बुलाया है। तो मैंने कहा ठीक है। जब देखा तो 850 रुपये का वो चेक था। तो फर्स्ट ईयर बीकॉम में पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि अगर 850 रुपये का चेक रिजेक्शन के लिए मिल सकता है, मतलब कमाल का करियर है यार ये। और ये सोच के फिर मैंने तभी से एक मन बना लिया था कि वॉइसिंग एक करियर के तौर पर यहाँ परस्यू किया जा सकता है, और वॉइसिंग एक सीरियस काम है जिसके ऊपर मुझे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके ऊपर मुझे बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ अपने आप को तैयार करना है। तो ये रियलाइजेशन मुझे इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की वजह से मिला। कल्चरल एक्टिविटीज़ और ड्रामेटिक्स के साथ साथ मेरी पढ़ाई भी चली, और फर्स्ट क्लास के साथ मैंने ग्रेजुएशन किया इन द ईयर 1995। और फिर मैंने सोचा मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेता हूँ, इसी बहाने NM कॉलेज में बना रहूँगा, हो सकता है थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ भी कर लूँ। तब तक मैंने साथ साथ में पार्ट टाइम जॉब करना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, ना सिर्फ इंडिपेंडेंट होना, अपना खुद का खर्चा उठाना, बल्कि थोड़ा बहुत घर में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना, एक तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप से आ गई थी, और इसके चलते मैंने पार्ट टाइम जॉब भी करना शुरू कर दिया था। तो पार्ट टाइम जॉब करते हुए, पढ़ाई करते हुए, MCOM की पढ़ाई करते हुए थोड़ा सा मेरा जो कल्चरल एक्टिविटीज़ और वो रुझान जो था वो थोड़ा सा बैक सीट पे आ गया। मुझे याद है 95 से 97 के दौरान ज़्यादा मैंने कल्चरल एक्टिविटीज़ या ड्रामेटिक्स या इसको ज़्यादा परस्यू नहीं किया है। उस दौरान मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग गया था, पहले एक छोटी सी कंपनी सेल्वास फोटोग्राफिक्स लिमिटेड नाम था उसका, उसमें एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड अकाउंटेंट मुझे काम मिला, और 2 या 3 साल वहाँ काम करने के बाद सैमसनाइट इंडिया लिमिटेड जो लगेज मैन्युफैक्चरर हैं उसमें मैंने, मल्टीनेशनल कंपनी थी तो उसमें सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया, करीब 1.5-2 साल मैंने वहाँ पर भी काम किया। लेकिन ये सारा वक्त एक चीज़ मुझे हमेशा परेशान करते रहती थी, वो ये कि मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा जो पैशन है, मेरी जो हॉबीज़ हैं उसके प्रति मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना समय या मैं अपना ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं दे पा रहा हूँ, और मुझे उसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो ये कैसे हो, कॉन्स्टेंटली ये चीज़ मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी, मुझे वरी करती थी। तो मैंने सोचा कि इससे निपटने का एक तरीका है, क्योंकि मैंने अपनी कॉलेज के प्रोफेसर्स को देखा था जो ड्रामेटिक्स में इंटरेस्टेड थे, वो कॉलेज में पढ़ाते थे और साथ साथ ड्रामेटिक्स भी करते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करियर चूज़ किया जाए जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरी मॉम स्कूल टीचर थी और घर पे भी ट्यूशंस वगैरह का माहौल था। तो मैं जब स्कूल में पढ़ता था 5th स्टैंडर्ड में, तब से लेकर के ही ट्यूशन तो देता ही आ रहा था, ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाना मेरा काम था। तो मैंने सोचा ये तो मुझे बड़ी आसानी से एक काम है जो मैं कर सकता हूँ, ये तो मुझे आता ही है। तो मैंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे याद है शुरू में SNDT कॉलेज मलाड में, जो एक गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ से मैंने छोटे छोटे काम करना शुरू किया था, यानी क्लॉक आर बेसिस पे, टेम्पररी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे पढ़ाना मैंने शुरू किया, और वो काम मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि एक तरह से वो परफॉर्मेंस था। आप स्टेज पे जाते हो, 40-50-100 यंगस्टर्स, बच्चे, स्टूडेंट्स बैठे हैं आपके सामने,
और उनका अटेंशन सारा समय आपको बरकरार रखना है, उनका अटेंशन ग्रैब करना है, और साथ ही कोई चीज़ आपको उनको कन्विंस करानी है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ ऐसी बतानी है कि हाँ वो उनके गले से उतर जाए। तो ये एक चैलेंज भी थी इसमें, और ये काम क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कर रहा था तो पढ़ाना मुझे अच्छा लगता था, तो ये काम मैंने शुरू किया। और मैंने पाया कि ये मॉर्निंग जॉब होता था, कॉलेजेस ज़्यादा करके मॉर्निंग में होती थी, तो दोपहर के बाद मैं थोड़ा फ्री हो जाता था। और क्योंकि मैं बिल्कुल बैचलर था, उस ज़माने में शादी हुई नहीं थी, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कम थी, फैमिली की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम थी, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा समय इसको दे करके, इसमें काम करके मैं अपनी हॉबीज़ को, अपने पैशन को थोड़ा समय और दे सकता हूँ। इस तरह से मैंने एक तरफ पढ़ाना और दूसरी तरफ एक्टिंग में, ड्रामेटिक्स में ज़्यादा क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो ड्रामेटिक्स बहुत ज़्यादा सीरियस ड्रामेटिक्स यानी कमर्शियल थिएटर मैं नहीं कर पाया, कुछ एक्सपेरिमेंटल थिएटर मैंने उस दौरान किए, म्यूज़िकल प्लेस थे जिसमें कोरस सिंगिंग में और सिंगिंग कम एक्टिंग, इस तरह के जो रोल है, क्योंकि मैं इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाता था, मैं फ्लूट बजाता था, तो मुझे फ्लूट बजाने का पार्ट, इस तरह के पार्ट्स मिले। तो वो करते करते ड्रामेटिक्स में मैं थोड़ा सा गया, लेकिन 2001 के आसपास मेरी सीरियस वॉइसिंग करियर की शुरुआत हुई। 2001 में मैं उस समय कांदिवली के ठाकुर कॉलेज में एज अ लेक्चरर अपॉइंट हुआ। 2000 में मेरी शादी भी हुई, तो शादी जब हुई तब मेरे पास एक जॉब था, और जॉब करते हुए साथ में मैं वॉइसिंग करियर को एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी हैं, तो मैंने सीरियस डिग्री कॉलेज में एज अ लेक्चरर जॉब ले लिया। तब तक मेरा एम कॉम भी कम्प्लीट हो चुका था, यानी मैं पोस्ट ग्रेजुएट था, पढ़ाने के लिए अब मैं पूरी तरह से एलिजिबल तो नहीं था लेकिन क्वालिफाइड हो चुका था, इसलिए मैंने ठाकुर कॉलेज में वो जॉब लिया। उसके बाद मैंने शुरू किया साथ साथ में स्टूडियोज़ के चक्कर लगाना, या वॉइसिंग में कहीं ऑडिशन होते हैं तो लोगों को जाकर के मिलना, और इस तरह से काम शुरू किया। तो गुजराती में काफ़ी डबिंग शुरू हुआ था उस ज़माने में, क्योंकि ईटीवी गुजराती एक नया चैनल खुला था, तो ईटीवी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम डब हो रहे थे। पंचतंत्र मुझे याद है जो बंगाली में ओरिजिनली डब होता था, और उसके बाद हिंदी और फिर बाकी लैंग्वेजेस में, तो उसमें भी शुरू में मुझे काम मिला। सुहाग दीवान, राजुल दीवान, सनत व्यास, ये कुछ गुजराती वॉइसिंग इंडस्ट्री के नाम हैं जिनके पास काफ़ी गुजराती रिकॉर्डिंग का काम हुआ करता था, तो मैं उन्हें कॉल कर करके परेशान करता था कि सर कुछ है तो प्लीज़ मुझे बताइए, कुछ है तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो एक बार ऐसा हुआ कि शुरू में इन लोगों ने मुझे थोड़ा सा काम देना शुरू किया, फिर जैसे उन्होंने काम देखा और मैं करते करते सीखता भी गया, करते करते थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मैंने गेन किया, तो इस तरह से मेरा गुजराती में काम बढ़ा। मैंने सोचा चलो गुजराती ही सही, क्योंकि मेरी मातृभाषा गुजराती है, तो हिंदी भाषी दोस्त रहे हैं लेकिन हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी, एक हिंदी भाषी जो हिंदी में बात करता है वैसी साफ और वैसी प्रभावित करने वाली हिंदी मेरी नहीं थी। तो मैंने अपनी हिंदी पर भी काम किया, हिंदी न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ता था, हिंदी अखबारें पढ़ना, हिंदी समाचार सुनना, हिंदी में लोगों से बात करना, हिंदी भाषी दोस्तों के साथ ज़्यादा उठना बैठना, ये सारी चीज़ें करने से मेरी हिंदी भी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई। फिर मुझे गुजराती से हिंदी में काम मिलने लगा, वही प्रोजेक्ट जो गुजराती और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होते थे वैसे प्रोजेक्ट मिलने लगे। गुजराती में काम शुरू करने का एक और फ़ायदा ये हुआ कि जितनी एड फिल्म्स होती हैं वो लैंग्वेजेस में डब होती हैं, तो गुजराती डबिंग के लिए वहाँ मुझे काम मिलने लगा। एक और काम जो मुझे हमेशा से करना था, एड फिल्म्स में या एडवर्टाइजिंग के लिए वॉइस देना, वो काम मुझे अब गुजराती में ही सही लेकिन मिलना शुरू हो गया था, और वहाँ पर उस चैलेंज को मैं अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाया, वहाँ अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाया, तो इस बात से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा। फिर 2001 के बाद जैसे डबिंग जो काम है, डबिंग इंडस्ट्री जो है, उसमें भी एक बहुत ज़्यादा काम आया। एक फेज़ ऐसा था 2001 से 2003 का, बहुत सारे नए चैनल्स आ रहे थे, बहुत सारे नए प्रोग्राम्स आ रहे थे,
तो उसमें शुरू शुरू में छोटे मोटे रोल, इंसिडेंटल रोल, क्राउड डबिंग भी मैंने काफ़ी 1.5-2 साल तक कंटिन्यूसली की है। और उसमें अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज हैं, डबिंग इंडस्ट्री के जो लीडिंग प्रोडक्शन हाउसेज जिसे कह सकते हैं, जिसमें साउंड एंड विजन है या इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, तो उनके साथ एसोसिएट होने का मौका मिला। जब उन्होंने देखा कि एक कंसिस्टेंसी के साथ, एक कमिटमेंट के साथ एक बंदा काम करता है, तो उन्होंने फिर और ज़्यादा काम देना शुरू किया, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू किया, और इस तरह से काम बढ़ता गया, मैं और करता गया और कॉन्फिडेंस पाता गया, तो धीरे धीरे काम इम्प्रूव भी होता गया। 2001 के बाद का जो दौर है वो मान लीजिए कि एनिमेशन का दौर था। बहुत सारी एनिमेशन सीरीज जो इंग्लिश में थी या जापानीज में थी वो हिंदी में डब हो रही थी, और तरह तरह के एनिमेटेड कैरेक्टर्स वहाँ चाहिए थे। एनिमेटेड वॉइसेस जो हैं वो आपकी नॉर्मल वॉइस से काफ़ी अलग करनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा मॉड्यूलेट करना पड़ता है, बहुत ओवर द टॉप परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि एक एनिमेटेड कैरेक्टर की पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो अलग होती है। एक कार्टून कैरेक्टर है, उसको आपको फनी भी साउंड कराना है, बच्चों को और ज़्यादा एक्साइटमेंट जो चाहिए वो वॉइस के थ्रू या एनिमेशन के थ्रू डिलीवर किया जाता है। तो एक अलग ट्रेनिंग मिली मुझे ये करने में, पपेट्स हो या कार्टून कैरेक्टर्स हो, बहुत सारी सीरीज मैंने की है। बच्चों में उस समय जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी बेब्लेड, वो बेब्लेड में टाइसन का गुरु यानी काई, ये कैरेक्टर मैं प्ले किया करता था। सबरीना टीनेज विच, इसमें सबरीना का एक पाला हुआ बिल्ला था, अ टॉकिंग कैट, जिसका नाम था सेलम, ये कैरेक्टर मैंने प्ले किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इसको करते हुए। और अनगिनत ऐसी सीरीज़ है, बेन 10 के शुरू के कुछ एपिसोड्स में जो 10 सुपर पावर्स थे उनमें से कुछ पावर्स। जैपनीज़ कार्टून सीरीज़ का भी एक दौर शुरू हुआ, तो पोकेमॉन हो, इनफैक्ट पावर रेंजर्स एक बहुत पॉपुलर सीरीज़ बन चुकी थी। इसकी अलग अलग सीरीज़ थी जिसमें लाइट स्पीड रेस्क्यू एक सीरीज़ में रेड रेंजर के रोल में मैंने डब किया था। और ड्रैगन बॉल जी जो एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज़ थी बच्चों में, उसमें छोटा सा गंजा क्रिलिन मैं किया करता था, बहुत ही लवेबल, बहुत ही क्यूट कैरेक्टर था और काफ़ी श्रिल्ड वॉइस थी उसकी, ये तुम क्या कर रहे हो, इस तरह से एक अलग वॉइस में बात करनी पड़ती थी, नेजल वॉइस, एक अलग तरह की वॉइस। तो ये करते हुए भी मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, बहुत ही मज़ा आता था। डबिंग फॉर एनिमेटेड कैरेक्टर्स वॉज ग्रेट फन। साथ ही साथ कुछ एनिमेटेड हॉलीवुड फिल्में भी आ रही थी उस ज़माने में, तो उसमें भी मैंने कई जगह ऑडिशन किए, कुछ छोटे मोटे कैरेक्टर्स के लिए वो ऑडिशन सिलेक्ट भी हुए, मुझे वो भी करने का मौका मिला। अनगिनत एपिसोड्स एनिमेशन के कर चुके हैं और एनिमेशन से काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में, नॉर्मल डबिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आपका डबिंग डायरेक्टर चाहेगा कि आप नेचुरल परफॉर्म करें, लेकिन थोड़ा ओवर द टॉप जाके आप परफॉर्मेंस के थ्रू, सिर्फ वॉइस के थ्रू एक कैरेक्टर को बनाएं, एक कैरेक्टर को एक अलग पहचान दें, ये सिर्फ एनिमेशन में हो सकता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मौका मुझे मिला अपने करियर में। फिलहाल जो इंडियन एनिमेशन सीरीज़ ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं उनमें भी गुरु भोले एक सीरीज़ जो बच्चों को बहुत पसंद है, उसमें एक कैरेक्टर है मेरा नकसुरा नाम का, टोपी पहने हुए, बिल्कुल नाक से बात करता है, जैसे ओ हुजूर, हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं, आप हमें मार खिलाएंगे हुजूर, तो इस तरह से वॉइस को वेरिएट करना पड़ता है। ज़्यादातर मुझे राक्षस या कोई विलन इस तरह के रोल भी मिलते हैं जिसमें ज़्यादा ग्रफी वॉइस है, या जैसे तुम नहीं जानते मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, इस तरह से उसको वेरिएट करना पड़ता है। तो बहुत से एनिमेशन सीरीज़, टॉम एंड जेरी हो गया, डिजीमॉन, पोकेमॉन, सुपर स्ट्राइकर्स जो फुटबॉल पे एक सीरीज़ थी, तरह तरह के उसमें कैरेक्टर्स, उसमें गोली था एक, वो कैरेक्टर मैं प्ले किया करता था। तो एनिमेशन एक अपने आप में बहुत ही नायाब काम है, एंड आई रियली एन्जॉय डूइंग एनिमेशंस। हॉलीवुड की फिल्में हिंदी में डब होना और थिएटर में रिलीज़ होना,
ये ट्रेंड पिछले 10 सालों में इतना ज़बरदस्त हुआ है कि कुछ हॉलीवुड फिल्में जो हिंदी में डब होती हैं वो हमारी बेसिक हिंदी फिल्मों से अच्छा बिजनेस कर रही हैं। और पहले मैं ये समझता था कि छोटे सेंटर के, छोटे टाउन के लोग जो हैं वही सिर्फ इसे हिंदी में देखना पसंद करते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मल्टीप्लेक्सेस में, शहरों में भी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, यहाँ की क्राउड भी मल्टीप्लेक्सेस में जाकर फिल्म को हिंदी में देखना पसंद करती है। बेशक उसकी हिंदी डबिंग की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। फिल्म को अच्छी तरह से डब करना, उसको अडेप्ट करना, उसकी लैंग्वेज को पूरी तरह से चेंज करना, एक कैरेक्टर को चेंज करना, और अब ये ट्रेंड चला है कि नामी एक्टर जो हैं, जिनकी एक फेस वैल्यू है, जिनका रिकग्निशन है, वो भी बहुत सारे फिल्म के कैरेक्टर्स, एनिमेटेड कैरेक्टर्स हों या हॉलीवुड फिल्म के कैरेक्टर्स हों, वो डब करते आ रहे हैं। तो हॉलीवुड की फिल्में जो हैं उसका एक बहुत बड़ा मार्केट है हिंदी में। मैंने भी कुछ फिल्में की हैं जिसमें लीडिंग कैरेक्टर्स भी मुझे करने मिले हैं, जैसे जेक जिलनहॉल बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, उनकी 2 या 3 फिल्मों में लीडिंग कैरेक्टर में मुझे डब करने का मौका मिला। सोर्स कोड एक फिल्म थी, एक और फिल्म थी जोडियक, बहुत ही अच्छी थ्रिलर थी वो, उसमें डब करने का मौका मिला। बाकी बहुत सारे कैरेक्टर जैसे मॉर्गन फ्रीमैन के लिए कभी डब करने मिल जाता है, या कभी ह्यूग जैकमैन के लिए प्रेस्टीज फिल्म में जैसे मैंने उनके लिए रिकॉर्ड की थी वॉइस। तो हॉलीवुड की फिल्में, मेरे जहाँ तक मुझे लगता है, हॉलीवुड की फिल्मों में डब करना, और वो भी अच्छे या लीडिंग कैरेक्टर के लिए, ये हर एक डबिंग आर्टिस्ट की एक ड्रीम होती है, अच्छी फिल्म और एक अच्छा कैरेक्टर मिले डब करने के लिए। तो इससे ज़्यादा एक डबिंग आर्टिस्ट को शायद कुछ और नहीं चाहिए। स्पेक्टर जो अभी जेम्स बॉन्ड की फिल्म आई थी, उसमें भी क्रिस्टोफ वॉल्ट्स ने विलन के कैरेक्टर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, और वो कैरेक्टर करने का मुझे मौका मिला। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, होमकमिंग स्पाइडरमैन, उसमें भी माइकल कीटन जैसे एक वेटरन एक्टर के लिए वॉइस करने का मौका जब मिला, वो भी नेगेटिव कैरेक्टर है। और मेरे अपने पर्सनल फेवरेट की बात करूँ तो मुझे नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने में ज़्यादा मज़ा आता है बतौर हीरो के या किसी ज़्यादा कैरेक्टर रोल के, क्योंकि उसमें एक अलग चैलेंज होता है। नेगेटिव कैरेक्टर को वॉइस से एक अलग आइडेंटिटी देना, नेगेटिव कैरेक्टर में परफॉर्म करने का ऐसा मुझे लगता है कि ज़्यादा स्कोप होता है, इसलिए मैं हमेशा एंजॉय करता हूँ। बहुत सारी हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। मैंने कोको नाम की एक फिल्म अभी रिलीज़ हुई थी डिज्नी की, बहुत बढ़िया फिल्म थी, उसमें एक छोटा बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम किरदार था, वो निभाया। डिस्पिकेबल मी उसके फर्स्ट सेकंड पार्ट, टेड नाम की एक फिल्म थी जो बहुत ही अलग तरह की कॉमेडी थी, सेथ मकफरलां उसने लिखी भी थी और टेड का कैरेक्टर उसमें किया था, ये टेड डब करने का मुझे मौका मिला। और भी बहुत सी एनिमेटेड फिल्में हैं जैसे कार्स, डिज्नी की एक और फिल्म कार्स, तो कार्स का जो लेटेस्ट पार्ट आया बाहर उसमें भी एक कैरेक्टर करने का मौका मिला। डेडपुल पार्ट 1 में रिक्रूटर का कैरेक्टर मैंने निभाया था। बॉस बेबी एक एनिमेटेड फिल्म आई थी, उसमें एक जिम्बो का बड़ा ही क्यूट कैरेक्टर था, वो वॉइस करने का मौका मिला। बहुत सारी नेटफ्लिक्स की और अमेज़ॉन प्राइम की सीरीज़ जो हैं वो भी हिंदी में डब हो रही हैं आजकल, और उसमें भी काम कर रहा हूँ मैं। जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स एक सीरीज़ है, उसमें हैमरश्मिथ जो कि एडिटर है न्यूज़पेपर का जहाँ ज़ोई बार्न्स काम करती हैं, बहुत ही अहम किरदार है, उसके लिए वॉइस करने का मौका मिला मुझे। नार्कोज़ सीरीज़ जो बहुत पॉपुलर हुई, उसमें भी छोटे मोटे कैरेक्टर्स किए हैं मैंने। ट्रू डिटेक्टिव्स नाम की एक सीरीज़ थी जिसमें वुडी हैरल्सन और मैथ्यू मकॉगने, सो वुडी हैरल्सन का कैरेक्टर बहुत ही अहम था, वो करने में बड़ा मज़ा आया मुझे। और स्ट्राइक बैक एक एक्शन पैक्ड सीरीज़ थी, उसमें भी एक आर्मी ऑफिसर का रोल है, तो वो मैंने बहुत इन्जॉय किया डब करते हुए। एंटूराज एक सीरीज़ थी जिसके करीब 6-7 सीज़न थे, और बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़, 4 फ्रेंड्स की, चारों फ्रेंड्स, जिसमें विंस जो है वो हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा एक्टर बन जाता है, और कैसे उसके फ्रेंड्स उसके साथ मिलके ये लाइफ को एंजॉय करते हैं,
तो एंटूराज भी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स जिसमें मुझे डबिंग करने का मौका मिला। वॉइसिंग की और डबिंग की दुनिया की एक बात जो थोड़ी सी हर डबिंग आर्टिस्ट को खलती है वो ये है कि ये पर्दे के पीछे का काम है। रिसेंटली ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि ये वॉइस किसने की है, इसमें ऑडियंस की, दर्शकों की भी दिलचस्पी बढ़ी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वॉइस आर्टिस्ट अभी भी हैं जो बहुत अच्छी वॉइस करने के बावजूद उनका नाम कभी आगे नहीं आ पाता, जब तक कि वो किसी बहुत बड़ी ब्रांड के साथ या कोई बहुत बड़े कैरेक्टर या कोई बहुत बड़े एक्टर के साथ ना जुड़े हुए हों, उनको एक अलग पहचान नहीं मिल पाती। और मैं कहूँगा कि फॉर्चुनेटली मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुझे ऐसी एक पहचान मिली है एक बहुत बड़े सुपरस्टार के नाम से, वो हैं साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत। रजनी सर की वॉइस के लिए मुझे डब करने का मौका मिला और आज वॉइस ऑफ रजनीकांत इस नाम से मेरी एक अलग पहचान बनी है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनकी 4 से 5 फिल्में मैंने आज तक डब की हैं। और ये सिलसिला शुरू हुआ 2007 की साल में, 2007 में शंकर सर की फिल्म शिवाजी, जिसे डब करके थिएटर में रिलीज़ करने का एक पूरा प्लान था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि तमिल और तेलुगु रिलीज़ हो चुकी थी और हिंदी वक्त पे डब ना होने की वजह से वो थिएटर में रिलीज़ नहीं हो पाई। फिर भी टेलीविज़न पर उसको हिंदी में डब करके रिलीज़ करने का उनका प्लान था, जिसके लिए वो एक सूटेबल वॉइस की तलाश में थे। शुरू में तो अनिल कपूर साहब ने भी रजनी सर की वॉइस में डब करने की कोशिश की, लेकिन रजनी सर की वॉइस बहुत ही डिफरेंट है और आप यकीन नहीं मानेंगे, करीब 50 जितने अलग अलग वॉइस आर्टिस्ट इसके लिए अपनी ऑडिशन दे चुके थे, वो सब अपनी वॉइस आजमा चुके थे और मेरा नंबर तो उन 50 डबिंग आर्टिस्ट के बाद ही लगा। मैंने खुद ये नहीं सोचा था कि मैं जाके कभी ऑडिशन दूंगा और ये वॉइस मेरी अप्रूव होगी फॉर रजनी सर। लेकिन स्वानंद किरकिरे जो इसकी स्क्रिप्ट लिख रहे थे और उनके अंकल जितेंद्र किरकिरे ये उस प्रोजेक्ट में एसोसिएटेड थे, उनके साथ कोई दूसरे प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था, तो उस समय उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी सी साउंड वाइज ये वॉइस क्लोज लग रही है रजनी सर से, और ऐसा करो एक दो दिन के बाद जब भी वक्त हो एक स्टूडियो में आकर छोटा सा ऑडिशन दे दो। और वो ऑडिशन मैंने किया, वो ऑडिशन AVM पिक्चर्स की फिल्म थी, तो मद्रास में, चेन्नई में शंकर सर और रजनी सर ने ये 2-3 सीन जो मैंने करके भेजे थे वो सुने, उन्हें अच्छा लगा, थोड़े बहुत उनके डायरेक्शंस के साथ, उनकी टिप्स के साथ उन्होंने वो अप्रूव किया। एक बार और फिर से मुझे 3-4 सीन करने पड़े, फिर वो करने के बाद जो एग्जैक्टली उन्हें चाहिए था इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ वॉइस, वो जब मैंने डिलीवर किया तो उन्होंने फ्रीज़ की इस वॉइस को और फिर शिवाजी मैंने डब की December 2007 में। उसके बाद टेलीविज़न पे वो चली और वो फिल्म शायद रजनी सर की टेलीविज़न पे इतनी ज़्यादा चली है, हफ्ते में एक बार आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल पे शिवाजी फिल्म चल रही होगी। और मैंने रजनी सर की आज तक जितनी भी फिल्में डब की हैं, 5 या 6 फिल्में अब डब हो जाएंगी रजनी सर की मेरी वॉइस में, लेकिन उन सब में शिवाजी द बॉस मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि उसमें रजनी सर की एक ट्रू स्टाइल, रजनी सर की पंच डायलॉग की, रजनी सर की एंट्री की, रजनी सर की वो स्वैग और एटीट्यूड की जो एक असली स्टाइल है वो आपको शिवाजी में देखने मिलती है। और मेरा फेवरेट डायलॉग भी मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। तो ये स्टाइल रजनी सर शिवाजी में जो लेकर आए, बहुत ही अच्छी डब हुई थी ये फिल्म। तो शिवाजी में श्रेया सरन जो मेन लीड एक्ट्रेस थी उन्होंने खुद अपनी डबिंग की और विवेक जो कि साउथ के बहुत ही नामी कॉमेडियन हैं उनके रोल के लिए राजपाल यादव जी ने उसकी डबिंग की थी। फिल्म मिला जुला कर एक हिंदी फिल्म की तरह साउंड कर रही थी, वो इतनी अच्छी लिखी गई हिंदी में और इतनी अच्छी डब हुई कि आज भी हफ्ते में एक बार किसी न किसी चैनल पे आप देखेंगे कि शिवाजी द बॉस ये फिल्म चल रही होगी।
एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। उसके बाद 2010 में शंकर सर की ही दूसरी फिल्म आई, सेम टीम के साथ सेम माहौल में मुझे फिर से रजनी सर के लिए काम करने का मौका मिला। ये फिल्म थी एंदिरन, तमिल में, और हिंदी में रोबो नाम से रिलीज़ हुई। और रोबो बहुत ही बिग बजट, बड़ी कास्ट के साथ, जिसमें हिंदी एक्टर्स काफ़ी थे। ऐश्वर्या राय लीड कैरेक्टर में थी, डेनी डेंजोंगपा उसमें विलन के कैरेक्टर में थे, और सभी हिंदी एक्टर्स ने खुद अपनी डबिंग की है। और उसमें डबल रोल, क्योंकि रोबो के रोल में, चिट्टी के रोल में, एक रोबोटिक वॉइस के साथ बिल्कुल अलग परफॉर्मेंस दी थी रजनी सर ने। और दूसरा जो साइंटिस्ट वसीकरण का रोल है वो बिल्कुल अलग है। तो रोबो की जो स्टाइल थी, जैसे बहुत ही फ्लैट, विदाउट एनी इमोशंस एक डिलीवरी करना, हेलो वर्ल्ड, आई एम चिट्टी, स्पीड 1 टेराहर्ट्स, मेमोरी 1 ज़ेटाबाइट, तो इस तरह से वो एक अलग कैरेक्टर करना। मुझे याद है हमने डिसाइड किया था कि हम पहले पूरा साइंटिस्ट वसीकरण का डबिंग कर लेंगे, उसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर है उस पे जाएंगे, चिट्टी के कैरेक्टर पे। लेकिन चिट्टी का कैरेक्टर इतना लवेबल है कि इंटरवल होते होते चिट्टी का कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो जाता है। तो मैंने सजेशन दिया, मैंने ये खुद मेरी अपनी तमन्ना थी, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि अब ये इंटरवल के बाद का जो वसीकरण का रोल है ये बाद में रिकॉर्डिंग करके चिट्टी का साइमल्टेनियसली शुरू कर देते हैं, ताकि दोनों कैरेक्टर के बीच का डिफरेंस जो है वो मैं अच्छी तरह से उसको ला सकूं। तो दे वर वेरी काइंड इनफ टू कंसिडर दैट सजेशन ऑल्सो। इस तरह से हमने इंटरवल में वो साइंटिस्ट का कैरेक्टर रोक के वहाँ से फिर चिट्टी का कैरेक्टर डब करना शुरू किया। और चिट्टी जो कि सेकेंड हाफ में नेगेटिव हो जाता है, रोबो जिसमें वो रेड चिप लगने की वजह से वो फिर नेगेटिव हो जाता है, वहाँ चिट्टी का कैरेक्टर बिल्कुल अलग तरह से खुल के आया है, तो वो तो बहुत ही मज़ा आया। वसी, मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो, सामने आओ वसीकरण, वरना मैं इसकी जान ले लूंगा। तो ये कलर्स जो रजनी सर ने दोनों कैरेक्टर में अलग अलग डाले हैं, चिट्टी एक तरफ एकदम लवेबल कैरेक्टर है, तो चिट्टी 2.0 जो चिट्टी दूसरा रेड चिप लगने के बाद बन जाता है, वो नेगेटिव कैरेक्टर लाना, और साइंटिस्ट का कैरेक्टर बिल्कुल सहमा हुआ सा, सिंपल, पढ़ा लिखा, कल्चर्ड, एक अर्बन मेट्रोपॉलिटन सिटी में पला बढ़ा इंसान। तो तीनों कैरेक्टर में ये वैरायटी, मुझे याद है काफ़ी समय लगा था इसको, 25-26 दिन तक, दिन में तीन चार घंटे ही हम लोग डब करते रहे, बाकी सारे कैरेक्टर्स आके डब करते थे, एक तरफ मेरी 3-4 घंटे डबिंग चलती थी, तो लगभग एक महीने तक डबिंग चली है। पूरे एक महीने तक ऑन एंड ऑफ मैं इसको डब करता ही रहा, लेकिन इसका भी जो रिज़ल्ट देखने मिला है, अगेन द क्रेडिट गोज टू द एंटायर टीम, द राइटर, द डायरेक्टर, द साउंड इंजीनियर, एवरीबडी। इस फिल्म में भी जितने कैरेक्टर्स हैं, छोटे से लेकर बड़ा कैरेक्टर, सभी ने जान डाल दी है, और फिल्म वाकई तमिल फिल्म होने के बावजूद एक हिंदी फिल्म की तरह साउंड की है। तो शिवाजी या एंदिरन यानी रोबो, कोई भी फिल्म आप उठा लीजिए, वो आज भी जब चैनल पे चलती हैं तो लोग एक साउथ की फिल्म डब की हुई देखते हैं, वैसे नहीं बल्कि एक हिंदी फिल्म देख रहे हैं वैसे उसका मज़ा लेते हैं। ये आई थिंक दिस इज़ द मैटर ऑफ अचीवमेंट फॉर द एंटायर डबिंग टीम ऑफ बोथ द फिल्म्स। रजनी सर की तीसरी फिल्म जो मैंने की वो थी लिंगा। तो लिंगा भी एक बहुत अलग स्टोरी थी, डबल रोल थे इसमें भी, जो दादाजी का कैरेक्टर है और पोते का कैरेक्टर है, यंग कैरेक्टर, दोनों ही बखूबी निभाए हैं। दादाजी के कैरेक्टर में एक पीरियड यानी अंग्रेज़ों के ज़माने के वो एक टाइम का कैरेक्टर है, कलेक्टर का कैरेक्टर है, बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि रिस्पेक्टफुल कैरेक्टर, और उसको अच्छी तरह से निभाया रजनी सर ने। यंग जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट, पॉकेट मार टाइप कैरेक्टर है, जो आगे चल के नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाता है। तो रजनी सर जिस तरह से एक वेरिएशन लाते हैं दोनों कैरेक्टर्स में, जिस तरह से एक एनर्जी के साथ यंग कैरेक्टर को भी निभा सकते हैं, दैट अमेजेज मी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो
वो जब वॉइस करना होता है तो वो एक बहुत बड़ी चैलेंज बन जाता है कि यंग वॉइस में फिर भी वही एटीट्यूड, वही इंटेंसिटी, वही एनर्जी तो है, लेकिन दोनों में थोड़ा वेरिएशन मुझे भी वॉइस वाइज लाना पड़ता है। और डायलॉग की, पंच डायलॉग की उनकी जो स्टाइल है वो तो वाकई कमाल है, वो उनकी हर फिल्म में देखने मिलती है, फिर चाहे वो लिंगा हो या लिंगा के बाद आई कबाली हो। पा रणजीत के साथ वो पहली फिल्म थी रजनी सर की, और उसके बाद दूसरी फिल्म उन्होंने की है काला। कबाली में भी एक गैंगस्टर का रोल, जो मलेशिया में बेस्ड है, और मलेशिया में बेस्ड होने के बावजूद अपने लोगों के लिए, अपने देशवासियों के लिए जो हमेशा फील करता है और उनके लिए काम करता है, वैसा एक कैरेक्टर था। इट्स अ वेरी नेगेटिव कैरेक्टर विच इज़ स्टिल लवेबल। तो ये सिर्फ रजनी सर ही कर सकते हैं, ये किसी और एक्टर के बस की बात नहीं है। कबाली में भी डबिंग इसकी पूरी चेन्नई में हमने की थी, क्योंकि प्रोड्यूसर का ये कहना था कि फिल्म पूरी आप यहाँ आकर चेन्नई में करेंगे। तो करीब 5 या 6 दिन लगे थे इसकी पूरी रिकॉर्डिंग में, और मुझे याद है तभी साथ साथ में तेलुगु और हिंदी चला करती थी। तो तेलुगु दिन में डबिंग होती थी और मैं रात में डबिंग करता था। दिन भर आराम और रात भर जागकर कबाली की डबिंग करना। तो कबाली भी एक बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट था, उसकी एक डिफरेंट ट्रीटमेंट थी। पा रणजीत, इनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल बिल्कुल अलग है, और रजनी सर ने अपनी एज का एक कैरेक्टर किया था, और फिर भी उसमें वही एटीट्यूड, वही एनर्जी बरकरार थी। तो कबाली का जो ट्रेलर में पॉपुलर हुआ डायलॉग मुझे बहुत ही पसंद है। हिंदी फिल्मों में यहाँ काला तिल, बड़ी बड़ी मूछे, लुंगी पहने, विलन अमरीश पुरी, ए कबाली कहते ही सर झुकाकर जी मालिक कहकर खड़ा हो जाता है, ऐसा कबाली समझा है क्या? कबाली है ये कबाली है ये ये जो स्टाइल है, ये मतलब इट्स लार्जर देन लाइफ, इट्स फॉर द फिल्म स्क्रीन, इट्स फॉर द सिनेमा लवर्स, इट्स फॉर द रजनी फैंस। तो ये फैंस को ध्यान में रखकर, अपने फैंस को जो चाहिए ये देने की एक स्टाइल रजनी सर हमेशा से निभाते आए हैं, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंस्पायरिंग थिंग इन वर्किंग फॉर रजनी सर। पा रणजीत एज अ डायरेक्टर, उनके साथ रजनी सर की एक और फिल्म काला, काला में जब डबिंग की, एक अलग चैलेंज था वो। क्यों मैं बताता हूँ, बेसिकली इसमें बहुत सारे हिंदी आर्टिस्ट हैं। हुमा कुरैशी ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल किया है, एक बहुत ही अहम रोल में नाना पाटेकर हैं, विलन के रोल में हैं, और सामने सामने रजनी सर के और नाना पाटेकर के सीन्स हैं। तो नाना पाटेकर ने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है इसमें, उसके बाद उन्होंने खुद अपनी वॉइस में तमिल में भी डब की है फिल्म को। तो एक बहुत बड़ी चैलेंज बन गई मेरे लिए ये कि रजनी सर का परफॉर्मेंस वॉइस वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, एनर्जी वाइज मैं उस सेम लेवल तक ले जाऊं। तो काला एक बेसिकली रॉबिन हुड टाइप की एक थीम वाली फिल्म है। काला में बेसिकली धारावी के लोगों की बात है। काला ये कैरेक्टर जो है रजनी सर जिसे प्ले कर रहे हैं, ये धारावी का ही बंदा है, और धारावी में रहने वाले लोगों का मसीहा है वो, उनके लिए हमेशा काम करता है, उनके लिए सोचता है, उनके लिए फील करता है। तो वैसा एक कैरेक्टर है, और पंच डायलॉग्स ये सब कुछ है, लेकिन रजनी सर एक अलग अवतार में है। नॉर्मली हमने देखा है कि वो सनग्लास फ्लिप करते हुए या सिगरेट उछालते हुए, कोई अपनी अदा, कोई अपनी स्टाइल के साथ रजनी सर हमेशा प्रेजेंट होते हैं स्क्रीन पर। इसमें भी छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने की है, सिर्फ अपनी लुंगी को हाथ में लेकर के टर्न करके चलना, या छाता लेकर चलना, या चश्मा पहन के अपनी जीप में, काला चश्मा, काले कपड़े, काली जीप, ये सारी चीज़ें, एक काला रंग साथ में लेकर के, लेकिन जैसे वो हैं उसी तरह से अपनी एज का एक कैरेक्टर निभाते हुए एक बहुत ही अलग परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। तो काला में बहुत सारे ऐसे डायलॉग हैं जो अगेन वेरी फेवरेट ऑफ माइन, जिसमें से एक है, क्या रे सेटिंग किया है,
वेंगई का बेटा अकेला खड़ा है, हिम्मत है तो सब एक साथ आओ। तो एक इंटेंसिटी के साथ उन्होंने जो परफॉर्म किया है कमाल कर दिया। काला फिल्म जो है वो वंडरबार फिल्म्स ने प्रोड्यूस की है, धनुष इस प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं। सो रजनी सर के दामाद और बेहतरीन एक्टर, शुरू की 3 रील मैंने इस फिल्म की चेन्नई में डबिंग की। हमारी पूरी टीम, जयंत वाजपेयी साउंड इंजीनियर और रंजीत बहादुर सिंह इसके डबिंग डायरेक्टर, मैं, हम लोग चेन्नई गए, फिल्म शुरू की। लगभग 2.5 से 3 रील इस फिल्म की शुरू की मैंने चेन्नई में ही डब की है। 3 दिन के लिए हम वहाँ थे और उस दौरान शायद उन्होंने देखा कि सारा काम ठीक से चल रहा है, तो फिर उनको वो कॉन्फिडेंस आ गया था और उन्होंने बाकी की फिल्म यहाँ मुंबई में करने के लिए हमें आगे ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो बाकी की फिल्म जो है वो हमने यहाँ मुंबई में रिकॉर्डिंग की है उसकी। पर धनुष सर से वहाँ मिलना, धनुष सर से जब इंट्रोडक्शन कराया गया कि ये रजनी सर की वॉइस करते हैं, मयूर व्यास हैं और ये मुंबई से आए हैं, तो पहला रिएक्शन उनका ये था, ओ माई फादर इन लॉज वॉइस, ऐसा करके उन्होंने हाथ मिलाया, तो बहुत ही अच्छा लगा। साथ बैठकर हमने लंच किया और बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छी तरह प्यार से बात कर रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि उनकी मारी नाम की फिल्म जो यहाँ हमने टेलीविज़न के लिए हिंदी में रिकॉर्डिंग की है, उसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट पुलिस वाले का कैरेक्टर डब किया था, तो बहुत खुश हुए। उन्होंने ये कहा कि मारी 2 उनका नया प्रोजेक्ट जो है वो अभी पाइपलाइन में है, बहुत जल्द वो उस फिल्म को कंप्लीट करेंगे और वो चाहेंगे कि मारी 2 भी हिंदी में रिकॉर्ड हो और हिंदी और तमिल में एक साथ रिलीज़ हो। मिला जुला कर बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा है काला का। काला की पूरी टीम, पारंजीत सर की डायरेक्शन टीम हो या यहाँ हमारी डबिंग डायरेक्शन टीम हो, सब ने छोटे से छोटे कैरेक्टर के लिए भी, जहाँ तक करेक्ट वॉइस नहीं मिलता है, बहुत सारे ऑडिशन करने के बाद करेक्ट वॉइसेस चुने हैं और राइटिंग डबिंग के टाइम पे ऑन द माइक्रोफोन लाइंस को इम्प्रूव करना, लाइंस को चेंज करना, ताकि ये करेक्ट मीनिंग इसमें बाहर आए। और फिल्म की जान जो कह सकते हैं वो है रजनी सर और नाना पाटेकर के बीच के सीन्स। तो सभी सीन बहुत इंटेंस हैं। नाना सर ने भी इसमें एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है जिसके लिए लोग हमेशा उनके इस परफॉर्मेंस को याद करेंगे, और रजनी सर ने भी एक टक्कर का परफॉर्मेंस वहाँ उनके सामने दिया है। तो वो जो सीन हैं सारे के सारे वो बहुत ही पावर पैक्ड सीन बन गए हैं। एक दो बहुत ही बढ़िया सीन थे हुमा कुरैशी और रजनी सर के बीच में। तो जब हुमा जी वो रिकॉर्ड कर रही थी, उन्होंने मेरी जो काउंटर्स की लाइन रिकॉर्ड की हुई थी वो सुनी। अपना सीन कंप्लीट करने के बाद जब वो बाहर आई, मॉनिटर रूम में मैं बैठा हुआ था, तब उन्होंने कहा कि नहीं आपने अच्छा डब किया है। तो जब उन्होंने अप्रिशिएट किया तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। काला की डबिंग जब चल रही थी तो वो छोटे बच्चे के लिए जो कैरेक्टर था, तो मैंने कहा कि मेरा बेटा है, यश है, यही करीब 11-12 साल का है और शायद इस पर वो वॉइस मैच हो जाएगी। ऑलरेडी वो छोटी मोटी डबिंग कर चुका है, जैसे पोस्टर बॉयज़ या दास देव, 2-3 फिल्मों में ऑलरेडी हिंदी फिल्मों में वो डबिंग कर चुका है और कुछ सीरीज़ हॉलीवुड फिल्म्स में भी वो छोटे मोटे काम कर रहा है। तो मैंने कहा कि आप आजमा कर देखिए। तो डबिंग डायरेक्टर रंजीत साहब ने कहा कि हाँ ठीक है, ले आओ। तो जब वो डबिंग के लिए आया तो उसने सबसे पहले रजनी सर के लिए मेरी वॉइस देखी वहाँ पर थिएटर में, तो वो जो एक्साइटमेंट था, और फिर उसने सोच लिया कि नहीं कुछ भी करके मुझे अच्छा परफॉर्म करके ये रोल में मुझे अपनी वॉइस फाइनल करानी ही है। और जब वो माइक पे गया तो वो चीज़ नज़र आई, उसने अच्छे से परफॉर्म किया। 1-2 बार ही रीटेक करके, डायरेक्शन को सही सही फॉलो करके, करेक्ट टोन और मूड पकड़कर उसने वो कैरेक्टर निभाया, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई ये देख के। और मैं, हमारा पूरा फैमिली, मैं, मेरा बेटा यश और मेरी वाइफ पूर्वी, हम तीनों वहाँ थे। तो हम दोनों का सीन जब साथ में चल रहा था पूरा सीन कंप्लीट होने के बाद, तो सबसे ज़्यादा खुशी जो मुझे मेरी वाइफ के चेहरे पर देखने मिली है वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। जिस दिन से मैंने सुना कि रोबो का सेकेंड पार्ट बन रहा है, शंकर सर इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहे हैं और रजनी सर उसमें रहेंगे,
मैं वेट कर रहा था कि कब मुझे कॉल आता है, और वो दिन आया। एक दिन रंजीत बहादुर सिंह, इन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि बहुत ही जल्द हम लोग मिल रहे हैं। बस इतनी सी बात में मैं समझ गया था। मैंने कहा, सर रोबो पार्ट 2 की रिकॉर्डिंग कब शुरू करनी है? और वो हंसने लगे, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट ऐसा था जिसके लिए मैं वेट कर रहा था। सबसे पहले तो ये शंकर सर की फिल्म है, तो शंकर सर एज अ डायरेक्टर इज अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स इन द कंट्री राइट नाउ। फिल्म को एक अलग इमेजिनेशन में ले जाना, स्पेशल इफेक्ट्स, VFX का अच्छी तरह से यूज करना, ये सारी चीजें जो है वो शंकर सर से बेहतर आज शायद इंडस्ट्री में कोई नहीं कर सकता। और भी अट्रैक्शन थे, जैसे इसमें अक्षय कुमार जो मेन विलन का रोल कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। और एमी जैक्सन ने लीडिंग लेडी का रोल किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरे लिए रोबो पार्ट 2 एक बहुत ही एक्साइटेड अपॉर्चुनिटी बन के रह गया था। और जैसे ही ये कॉल आया, फिर एक हफ्ते में ही हमने उसका काम शुरू किया। तो जैसे जैसे एक एक सीन करते चलते थे, और मैं सोचता था कि कैसे ये डायरेक्टर इमेजिन कर रहा है, कैसे इस फिल्म को, यू नो, एवरी टाइम एवरी सीन टेक्स द फिल्म वन नॉच अबाव योर एक्सपेक्टेशन एंड मेक्स द फिल्म बेटर एंड बेटर एंड बेटर। तो करते करते बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है, बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। अक्षय कुमार ने भी इस फिल्म में बहुत ही अलग तरह का किरदार निभाया है, अलग तरह का परफॉर्मेंस दिया है। मुझे यकीन है कि ऑडियंस को ये फिल्म बहुत बहुत पसंद आएगी। डबिंग की हुई फिल्मों का जैसे जादू चल गया है ऑडियंस पे, और उसमें खास करके जो हमारी तमिल तेलुगु या कन्नड़ सिनेमा हिंदी में डब होती है, आप फिल्म की 12 चैनल अगर आपके रिमोट पे होंगी तो किसी भी वक्त आप रिमोट उठा के टीवी ऑन करके देख लीजिए, 12 में से 8 चैनल पे कम से कम साउथ इंडियन लैंग्वेज की हिंदी में डब की हुई फिल्म चल रही होगी। और सभी लोग, सभी ऑडियंस, सभी एज ग्रुप के ऑडियंस इन फिल्मों को पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी नॉवेल्टी है, साउथ की एक अलग मेकिंग है, एक अलग प्रोडक्शन वैल्यू, एक विजुअली अलग अपील है इसमें जो ऑडियंस को पसंद आती है। और मैंने बहुत सारी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की जो फिल्में हैं उनको हिंदी में डब किया है। कुछ कैरेक्टर्स भी हैं ऐसे जो मैं रेगुलर तौर पे करता आ रहा हूँ, जैसे राजेंद्र प्रसाद एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, क्विगन मुर्गन में जो मेन रोल कर रहे थे, और उनकी सन ऑफ सत्यमूर्ति हो गई, या जुलई जो डेंजरस खिलाड़ी के नाम से हिंदी में टेलीविज़न पर रिलीज हुई थी, तो दोनों फिल्मों में उनका कैरेक्टर मैंने निभाया है। और भी फिल्में हैं जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी के लिए मैंने डबिंग की है। और एक कैरेक्टर है, वो है कृष्ण मुरली। कृष्ण मुरली तेलुगु के एक बेहतरीन कॉमेडियन है, उनकी एक अलग स्टाइल है डायलॉग बोलने की, और किसी भी कैरेक्टर को राजा बोल के बुलाने की, अरे ये बात है राजा तो पहले तुम मेरे पास आ जाओ, ऐसे एक अलग स्टाइल है उनकी बोलने की। और ये कैरेक्टर करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ये कॉमेडी कैरेक्टर है, ये कभी विलन भी हो जाते हैं। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी की है, लेकिन अच्छे रोल, कैरेक्टर रोल या सेकंड लीड के रोल भी उन्होंने किए हैं। तो साउथ की बहुत सारी फिल्मों में इस तरह से मैंने इनके लिए भी डबिंग की है। हमारी साउथ इंडियन फिल्म्स जो हैं वो काफ़ी एक्शन के साथ, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा होता है और बहुत ही एंटरटेनिंग होती हैं, और उनकी हिंदी डबिंग भी डे बाय डे इम्प्रूव होती जा रही है। तो अच्छी हिंदी डबिंग देखने मिले तो ऑडियंस एक तरह से बहुत अप्रिशिएट करती हैं, ऑडियंस गेट्स ग्लूड टू द टेलीविजन एंड दे कीप वॉचिंग दी साउथ इंडियन डब्ड फिल्म्स। ये बहुत ही खुशी की बात है पूरी डबिंग फ्रेटर्निटी के लिए। जहाँ तक हिंदी फिल्मों का सवाल है, छोटे छोटे कैरेक्टर बहुत सारी हिंदी फिल्मों में किए हैं, लेकिन एक कैरेक्टर जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा वो है दिग्विजय पाटिल का कैरेक्टर, सुमन तलवार नाम के एक्टर ने प्ले किया इन द फिल्म गब्बर इज़ बैक। ये डब करने में बड़ा मज़ा आया, इसकी ऑडिशन हुई थी बाकायदा और उन्हें वॉइस पसंद आई। जब हमने डबिंग करना शुरू किया तो काफ़ी डिमांडिंग कैरेक्टर था, हीरो अक्षय कुमार, उनके सामने ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन का कैरेक्टर है,
और जिस एटीट्यूड के साथ इस कैरेक्टर ने एक्टिंग की है तो वॉइस में भी उस सेम एटीट्यूड को निभाना था। तो जब वो कहता है कि वो गब्बर नहीं जानता मैं कौन हूं, दिग्विजय पाटिल, आई एम अ ब्लडी ब्रांड, तो ये इंटेंसिटी और ये एटीट्यूड के साथ इसको परफॉर्म करना, बहुत मज़ा आया इसे परफॉर्म करने में और बहुत खुशी भी हुई क्योंकि स्क्रीन पे एक अच्छा रिजल्ट इसका देखने मिला। फिल्म भी काफ़ी सराही गई, लोगों ने पसंद की। तो गब्बर इज़ बैक में ये रोल जो है वो मेरे पसंदीदा चुनिंदा रोल्स में से एक है। एडवर्टीजमेंट जो है, एड्स जो हैं, वो 30 या 60 सेकंड का सिनेमा है। उसमें सिर्फ 30 या 60 सेकंड के समय में पूरी कहानी बताते हुए आपको एक प्रोडक्ट भी बेचना होता है, तो काम बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग बन जाता है। एड्स करना मुझे शुरू से अच्छा लगता था, एक ड्रीम थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एड्स भी करूं। एड्स का काम बहुत चैलेंजिंग है और हिंदी में, गुजराती में काफ़ी एड्स करता रहा। गुजराती में MS धोनी, आमिर खान, ऐसे कई सेलिब्रिटीज़ की वॉइस करने का मौका मिला मुझे, और साथ ही वॉइस ओवर, कैरेक्टर वॉइस, रेडियो के लिए रेडियो स्पॉट्स करना, ये सारे एड्स से रिलेटेड जो काम है वो मैंने किए हैं। हिंदी में भी किए हैं, जैसे फ़िलहाल अक्षय कुमार और तमन्ना भाटिया के साथ जो आयुष का एड चल रहा है उसमें एक सेज का वॉइस जो है, 5,000 साल पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों पर आधारित लीवर आयुष, ये वॉइस मेरी है। और इस तरह की बहुत सारी और एड्स भी मैंने की हैं। तो एड्स में या रेडियो स्पॉट्स में हिंदी में भी काफ़ी काम किया है। वो जब बार बार टेलीविज़न चैनल्स पे चलता है एड्स, क्योंकि बार बार दिखाई देते हैं, तो बार बार अपनी वॉइस सुनना, एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है उससे। नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी, हिस्ट्री चैनल, ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट्री टाइप के होते हैं, एक अलग वॉइस की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ठहराव के साथ, किसी तरह के इमोशंस को माइनस करते हुए आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, बहुत कन्विंसिंग लगनी चाहिए। तो ये भी एक चैलेंजिंग काम है, बहुत अच्छा लगता है मुझे करना। डेविड एटनबरो, जो वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग में एक बहुत बड़ा नाम है, उनके 8-8 एपिसोड के करीब 2 सीजन्स मुझे करने के लिए मिले थे। 80 साल की कुछ उम्र रही होगी और खुद अपना शो लिखते हैं, खुद प्रेजेंट भी करते हैं, तो मैंने देखा कि कितनी अच्छी राइटिंग और कितनी कन्विंसिंग प्रेजेंटेशन उनकी होती है, और वो करने में बड़ा मज़ा आया। साथ ही साथ हिस्ट्री चैनल के कुछ शोज़ हैं जो रियलिटी टाइप के शोज़ होते हैं, जैसे आइस रोड ट्रकर्स हो गया, या इस तरह के जो शो हैं उसमें बहुत ज़्यादा रियल लाइफ नेचुरल परफॉर्मेंस रखते हुए आपको करना होता है। नेशनल ज्योग्राफिक के शोज़ जो हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड या बाकी डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड, वो भी मैंने काफ़ी डब किए हैं। बिल्कुल अलग तरह का टेक्सचर, बिल्कुल अलग तरह की परफॉर्मेंस लगती है। HBO का वाइस नाम का एक प्रोग्राम जो हिस्ट्री चैनल पर चलता था, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था। दुनिया भर के अलग अलग देशों से, कल्चर से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ मसले, कुछ मुद्दे, कुछ अलग अलग इश्यूज़ लेकर छोटी छोटी स्टोरीज़ बनाते थे और उसको वीकली प्रेजेंट किया जाता था। उसमें शेन स्मिथ जो एक मेन होस्ट थे, वो वॉइस करना बहुत अच्छा लगा मुझे। विक्रम गांधी, शेन स्मिथ, ये एक बड़ी टीम थी उनकी, और काफ़ी रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम किए हैं जिसमें इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को लेकर के क्या इश्यूज़ हैं, इस तरह का एक एपिसोड था। तो साथ ही साथ कल्चरल इश्यूज़ चाइना में क्या हैं, या चाइना की इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या हैं, इस तरह के अलग अलग एपिसोड्स थे। नॉर्थ कोरिया पे एक स्पेशल एपिसोड था। ये सारे ही एपिसोड अपने आप में बिल्कुल इंटरेस्टिंग और यूनिक थे, इसलिए वो सीरीज़ करने में मुझे बहुत मज़ा आया। जहाँ तक इंस्पिरेशन का सवाल है, मेरी ये हैबिट रही है, मेरी ये आदत रही है कि मैं हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरी कॉलेज टाइम के डायरेक्टर महेंद्र जोशी, इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। डायलॉग को मीन करना है, जब आप कोई डायलॉग को बोलते हैं तो किस शब्द पे,
वज़न होना चाहिए, कहाँ पॉज होना चाहिए, कहाँ पे आपकी वॉइस की पिच जो है या मॉड्यूलेशन जो है उसे चेंज करना है, ये सारी बारीकियों के बारे में शुरू में मुझे उन्होंने बताया और काफ़ी कुछ उन्होंने जो सिखाया है मैं तो बहुत थोड़ा सा उसमें से यूज़ कर पाया हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन, बहुत बड़ी इम्पैक्ट उनकी रही है मेरे काम में, महेंद्र जोशी। वॉइसिंग फ्रेटर्निटी में ऐसे बहुत सारे सीनियर वॉइसिंग आर्टिस्ट हैं जिनको देख देख के सीखने मिलता है। हमारे कुछ वेटरन एक्टर्स हैं जैसे संजीव कुमार को मैं एक बहुत ही अच्छा वॉइस मानता हूँ। वॉइस के साथ, मॉड्यूलेशन के साथ खेलना और परफॉर्मेंस को वॉइस से उभारना, जैसे अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार, ये दो नाम मेरे जहन में आते हैं हमेशा, और उनके काम को देख देख कर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वैसे ही हॉलीवुड की फिल्में हम करते हैं तो हॉलीवुड में भी ऐसे बहुत से वॉइस आर्टिस्ट हैं, बहुत से एक्टर्स हैं जो अपने वॉइस के साथ कमाल करते हैं। रॉबिन विलियम्स हैं, रॉबिन विलियम्स अभी नहीं रहे, लेकिन रॉबिन विलियम्स ने कुछ बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर्स किए हैं। जीनी का कैरेक्टर अलादीन फिल्म में रॉबिन विलियम्स ने जिस तरह से निभाया है, तो रॉबिन विलियम्स हैं और मॉर्गन फ्रीमैन हैं, ऐसे कुछ हॉलीवुड के एक्टर्स हैं जो बहुत ही अच्छे वॉइस एक्टर्स भी हैं। ये इंस्पिरेशन रहे हैं मेरी लाइफ के। और वॉइस एक्टर्स में चेतन जी, चेतन शशितल जी, जो पता नहीं कितनी वॉइस अपने अंदर छुपाए हुए हैं और हर एक वॉइस को पूरी शिद्दत के साथ निभाते हैं, चेतन शशितल। और कॉलेज के ज़माने के मेरे फ्रेंड निनाद कामत, जो एडवर्टाइजिंग की दुनिया में, वॉइसिंग की दुनिया में एक बहुत ही माना हुआ नाम है, ये दोनों मेरे इंस्पिरेशन हैं, निनाद कामत और चेतन शशितल। जहाँ तक हॉबीज़ का सवाल है, मेरी हॉबी है म्यूज़िक, फिर चाहे वो किसी भी तरह का म्यूज़िक हो, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक हो, गज़ल्स हो, फिल्म म्यूज़िक हो, ख़ास करके 70s, 60s का हिंदी फिल्मों का म्यूज़िक। मेरे फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर आर डी बर्मन रहे हैं और उनके सारे गाने, किशोरदा के गाने सुनते हुए एक दो तीन दिनों तक लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। और म्यूज़िक सुनना, मौका मिले तो यारों दोस्तों के बीच कभी गाना गुनगुना लेना। मैं गाना सीखता भी था अपने कुछ म्यूज़िक लवर फ्रेंड्स के बीच में, कभी कभी हम मिलते हैं तो गाना गा कर के सेलिब्रेट करते हैं। और लाइव शोज़ की होस्टिंग भी मैं करता हूँ तो वहाँ मुझे मौका मिल जाता है अच्छे अच्छे सिंगर्स को एक ही मंच पर बैठकर उनके साथ परफॉर्म करते हुए उन्हें सुनने का। तो म्यूज़िक एक ऐसी हॉबी है, मुझे लगता है कि जिस इंसान के जीवन में म्यूज़िक उनका साथी है उसे किसी और साथी की कोई ज़रूरत नहीं। म्यूज़िक इज़ वन ऑफ़ द बेस्ट हॉबीज़ अकॉर्डिंग टू मी। और मैं वर्ल्ड म्यूज़िक एंजॉय करता हूँ, किसी भी तरह का म्यूज़िक हो, म्यूज़िक के साथ मैं घंटों बिता सकता हूँ। मैं तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता हूँ, फ्लूट है, तबला है, हारमोनियम है। नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना सीखना, ये मेरी हॉबी है। दूसरी हॉबी है रीडिंग, जैसे वक्त मिले मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहता हूँ, मैं पढ़ने में समय बिताता हूँ, गुजराती में जो मेरी मातृभाषा है उसमें पढ़ना, हिंदी में पढ़ना या इंग्लिश में पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है, मोटिवेशनल बुक्स हों या सेल्फ हेल्प बुक्स हों वो भी कभी कभी मैं पढ़ता हूँ। फैमिली में भी मुझे अच्छा सपोर्ट मिला है, मेरे डैड हमेशा काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं, वो खुद बहुत इंटरेस्टेड हैं म्यूज़िक में, गाने में खुद बहुत अच्छा गाते हैं। मॉम का हमेशा ये थोड़ा सा ये रहा है कि पढ़ाई पहले और बाकी सारी चीज़ें उसके बाद, और हमेशा मुझे टोकने के लिए या इस बात पे थोड़ा सा मुझे रोकने के लिए मैं सचमुच मेरी मॉम का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उस वजह से मैं अच्छी पढ़ाई भी कर पाया। और बाद में मुझे पता चला कि फिल्म लाइन हो चाहे एंटरटेनमेंट हो, किसी भी तरह के करियर में पढ़ना लिखना और पढ़ाई का जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो अहमियत है वो क्या होती है, तो उसके लिए सचमुच मैं अपनी मॉम का शुक्रगुजार हूँ। मेरी सिस्टर ने टाइम टू टाइम मुझे बहुत अच्छा गाइड किया है, शी वॉज़ ऑल्सो अ ट्रेंड क्लासिकल म्यूज़िक सिंगर, तो उन्होंने म्यूज़िक में मेरी दिलचस्पी बढ़ाई, बाकी पढ़ाई लिखाई में भी हमेशा मेरे मेंटर और गाइड बन के रही हैं। तो ये एक छोटा सा परिवार था हमारा, चार लोगों का, और दादाजी से तो डेफिनेटली मुझे हमेशा इंस्पिरेशन मिली हैं। वो अपने गांव में रहा करते थे, कभी कभी आते थे
और कुछ टाइम हमारे साथ स्पेंड करते थे, तो उसमें फिर से वही होता था। अब जबकि थोड़ा सा मैं बड़ा हो चुका था, तो उनके साथ सिर्फ एक तरफा यानी कि वन साइडेड बातें नहीं होती थी, अब मैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट भी कर सकता था, काफ़ी डिबेट होती थी। और वो डिबेट कभी रिलीजियस मैटर पे, तो कभी पॉलिटिकल मैटर पे, तो कभी कोई स्पिरिचुअल मैटर पे भी होती थी। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, मैंने हमेशा उनको, आई थिंक ही डाइड एट द एज ऑफ 84, और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक, आखिरी मिनट तक वो पढ़ते रहे, तो उनका पढ़ना बहुत था। एक और चीज़ मैंने जो उनसे एब्जॉर्ब की है वो कि हमेशा इंसान को थोड़ा बहुत कुछ पढ़ते रहना चाहिए। तो आज भी मैं ये एक पॉइंट अपने लाइफ में इंक्लूड करता हूँ कि एक बुक मेरे पास हमेशा मेरे साथ हो। कहीं ट्रैवल भी करता हूँ, एक दो घंटे की ट्रैवल टाइम में एक बुक निकाल के पढ़ लेना, या फ़ोन में कभी कोई ई बुक या ऐसी कोई कॉपी रख ली, तो पढ़ने का एक शौक भी इस तरह से मेरे लाइफ में एंटर हुआ। फेस्टिवल्स मुझे बहुत पसंद है, बचपन से, स्कूल टाइम हो या जिस एरिया में मैं रहता था वहाँ मोहल्ले में, गरबा हो या दही हंडी हो या होली हो, फेस्टिवल्स में मैंने हमेशा पार्टिसिपेट किया है। ख़ास करके गरबा के दौरान ढोल बजाना या माइक पे गरबा गाना या ताली बजाते हुए सर्कल में गरबा नाच कर खेलना, तो नाचना गाना इस तरह से फेस्टिवल्स के साथ और मेरे बचपन में एक बहुत ही इनसेपरेबल पार्ट, एक बचपन का बड़े होने का एक हिस्सा ही बनकर रह गया। और फैमिली भी साल में एक बार हमारा जो नेटिव प्लेस है गुजरात में गांव में, वहाँ जाया करते थे। मेरी दादी माँ वहाँ रहती थी, तो दादी माँ से मिलना, दादी माँ मेरे पास पूजा करवाती थी, तो जैसे ही 30 तारीख को अप्रैल की वेकेशन होता था और 1 मई मेरा बर्थडे है, तो 1 मई को बर्थडे के दिन किसी भी हालत में दादी माँ के पास पहुँच जाना है, और वहाँ 1 मई को मेरे पास वो पूजा करवा के उसके प्रसाद में शीरा बनवाती थी, और वो शीरा मुझे बहुत पसंद था। वो शीरे का जो स्वाद है वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। तो ये मेरी फेवरेट खाने की एक रेसिपी हुआ करती थी, शीरा। और स्वीट में कुछ भी हो चाहे, और आज तक स्वीट मेरी कमज़ोरी है, तो मीठा खाना जब भी मिले मैं उसे छोड़ता नहीं। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मेरा फैमिली, मम्मी डैडी सुरेश और पुष्पा व्यास, जिन्होंने एक अच्छी परवरिश, बहुत अच्छे संस्कार मुझे दिए हैं, हमेशा सच की राह पे चलना और जो भी जिस हाल में ऊपर वाला रखे उसमें खुश रहना, ये उनकी तरफ से हमेशा मुझे नसीहत मिली है। और जो कुछ भी आज मेरा है वो उनकी वजह से है। मेरी सिस्टर और उसका परिवार, मेरे जीजा जी, उनका एक बेटा है हिमालय, उनकी तरफ से हमेशा प्यार मिलता आया है। और मैं ये हमेशा कहता आया हूँ कि एक इंसान जो घर से निकलता है, उसे घर में कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है, तो वो बाहर निकल के दुनिया की कोई भी लड़ाई लड़ सकता है। और आज बड़े फक्र के साथ, बड़े आनंद के साथ, हर्ष के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ, मुझे घर की किसी लड़ाई के बारे में सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे घर में एक हंसता खेलता, सुख और शांति के साथ एक परिवार जो है वैसा माहौल है। उसके लिए मैं पूरी तरह से क्रेडिट देना चाहूँगा मेरी पत्नी पूर्वी को और मेरे बेटे यश को भी। उनका जो सपोर्ट, उनका जो साथ मुझे मिला है, उसकी वजह से आज जो भी थोड़ा बहुत मैं अपनी लाइफ में अचीव कर पाया हूँ, शायद वो ना होते तो मैं ये अचीव नहीं कर पाता। तो हमारा ये छोटा सा परिवार, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो सब आज जो भी मैं हूँ उसमें उनका बरोबर का योगदान है। मैं बस इतना कहूँगा कि अब तक जो भी मैंने अपने करियर में किया है, मैं उससे संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, और आने वाले दिनों में भी अच्छा काम मिलता रहे और इसी तरह से मैं ये करता रहूँ, यही मेरी ड्रीम है, यही मेरा ख्वाब है। एक कलाकार प्यासा होता है अपने ऑडियंस से मिली दाद का, अपने फैंस से मिले प्यार का। मैं अपने फैंस से बस यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने मुझे प्यार दिया है, जिस तरह से मेरे काम को सराहा है, जिस तरह से मेरा हौसला बढ़ाया है, आगे भी उसी तरह से करते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कभी निराश ना करूँ, हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देता रहूँ और हमेशा अपने फैंस को ध्यान में रखते हुए अच्छा काम आप सबके लिए करता रहूँ। धन्यवाद।